हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। आज की वीडियो में हम बीडिंग एंड बॉक्सिंग करना सीखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि हम बीडिंग एंड बॉक्सिंग क्यों करते हैं। पहला कारण है कि हम कास्ट के सारे सल्कस एंड बॉर्डर प्रॉपर बना सकें। दूसरा कारण है, इस प्रोसेस में हम कास्ट के अराउंड एक ऐसी विड्थ एंड हाइट का लैंड एरिया बनाना चाहते हैं जो एकदम सेम हो। और तीसरा कारण है, इस प्रोसेस में हम डेंस कास्ट बना पाते हैं जो फ्लास्किंग के प्रेशर को विदस्टैंड कर सके। बीडिंग एंड बॉक्सिंग करने के लिए आज हमारी जीडीएस लैब में जेडोई पेस्ट का इंप्रेशन आया है। यहाँ सेकेंडरी का मतलब दूसरा या फाइनल मास्टर इंप्रेशन है। इस इंप्रेशन में जो कास्ट हम बनाएंगे उसी पर हमारी फाइनल प्रोस्थेसिस भी बनेगी। सेकेंडरी इंप्रेशन के लिए डॉक्टर या तो जेडोई का इस्तेमाल करता है या रबर बेस का। कुछ डॉक्टर हो सकता है आपको एल्जिनेट का ही इंप्रेशन लेकर दे दें। तो चलिए देखते हैं बीडिंग एंड बॉक्सिंग कैसे करते हैं। बीडिंग एंड बॉक्सिंग को हम नॉर्मल मॉडलिंग वैक्स स्ट्रिप से करते हैं। सबसे पहले मैं वैक्स को सॉफ्ट करके डबल लेयर कर लेता हूँ, फिर 3 से 4 mm की एक पतली स्ट्रिप कट कर लेता हूँ। एंड अब हमें ये स्ट्रिप इम्प्रेशन बॉर्डर से 2 से 3 mm नीचे चिपकानी है। मेरी डबल वैक्स आपस में चिपकी नहीं है तो मैं इसे दोबारा मेल्ट करके चिपका लेता हूँ। अब आप ध्यान दें, मैं बॉर्डर से 2 से 3 mm नीचे बीडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, आपको फ्रेनम के नीचे से बीडिंग करनी है। और काफ़ी बार ये गलती हो जाती है कि वैक्स फ्रेनम के अंदर घुस जाती है। ऐसा हो जाने पर आप उसको जस्ट आराम से साफ कर दो। मैक्सिलरी इंप्रेशन में पोस्टीरियर एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसको PPS बोलते हैं। यहाँ पर बीडिंग हम इंप्रेशन सरफेस के नीचे से करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए हम इस PPS एरिया पर कोई फोर्स ना डालें जिससे इंप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाए। इस एरिया में बीडिंग के लिए मैं 5 mm की स्ट्रिप कट कर लेता हूं और इंप्रेशन के नीचे से अडेप्ट करता हूं। अडेप्ट करने के बाद आगे वाली बीडिंग से मिला देता हूं और बाकी को कट कर देता हूं। अब हम अपनी बीडिंग को उल्टा करके भी सील कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक होल भी दिख रहा है, उसको मैं वैक्स डालकर सील कर देता हूँ। अब हम अपनी बीडिंग को सारी जगह से एक जैसा कर लेते हैं। जहाँ से विड्थ ज़्यादा हो वहाँ से रिड्यूस कर दो और स्मूथ कर दो। अब हमारी मैक्सिला की बीडिंग ख़त्म हो गई है। अब हम मैंडिबल की बीडिंग कर लेते हैं। मैंडिबल इंप्रेशन को होल्ड करने के लिए कई बार दिक्कत होती है क्योंकि ये छोटा है और आपको ध्यान रखना है कि इंप्रेशन पकड़ने के चक्कर में इंप्रेशन ख़राब ही ना हो जाए। मैंडिबल की बीडिंग के लिए वैसे ही वैक्स को डबल करके कट कर लेते हैं और अच्छे से चिपका लेते हैं। मैक्सिला की तरह ही वैक्स को 2 से 3 mm नीचे अडेप्ट कर लेते हैं। मैंडिबल में बीडिंग करने के बाद टंग स्पेस भी कवर करना चाहिए, इससे कास्ट स्ट्रॉन्ग और सुंदर बनेगी। हम वैक्स स्ट्रिप में से मैंडिबल इंप्रेशन के साइज की वैक्स कट कर लेते हैं एंड अडेप्ट करके सील कर देंगे। अब हम 25 mm की वैक्स स्ट्रिप कट कर लेते हैं, फिर वैक्स स्ट्रिप को बीडिंग के अराउंड अडेप्ट करके सील कर देते हैं एंड इस प्रोसेस को हम बॉक्सिंग कहते हैं। बॉक्सिंग के वक्त भी अगर आपको कोई होल दिखाई दे तो उसको सील कर दो। अब सेम तरीके से हम मैंडिबल में भी बॉक्सिंग कर देते हैं।
अब हम स्टोन मिक्स करके पोर कर लेते हैं। पॉर करने के बाद 45 मिनट के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हम 45 मिनट से पहले कास्ट को रिमूव कर देंगे तो डायमेंशनल चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि स्टोन अभी तक सेट नहीं हुआ है। और ये बात आप इसको टच करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन इस वक्त गर्म होगा, यानी स्टोन के अंदर अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है और इस वक्त स्टोन एक्सपेंड भी होता है। स्टोन सेट होने के बाद हम कास्ट को गर्म पानी में डिप कर देते हैं और कास्ट को रिमूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कास्ट का लैंड एरिया कितना क्लियर है। एक अच्छा डेंचर तैयार करने का ये पहला स्टेप है। अगर आप भी डेंचर बनाने का कोर्स करना चाहते हैं तो GDS लैब से संपर्क करें। यहाँ पर आप 3 से 4 महीने के अंदर एक सुंदर दिखने वाला डेंचर आप तैयार करना सीख जाएंगे। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.